अगर आप अपना एक एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक जो एक्सपोर्ट कंपनी होती है वो डोमेस्टिक कंपनी से बहुत ज्यादा अलग होती है। एक्सपोर्ट कंपनी में आगे जाके आप लोगों को एलसी में डील करना है, आपका फॉरेन रेमिटेंस आएगा, तो इस चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोगों को एक राइट कंपनी का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को लंबे टाइम तक कंप्लाइंटली आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर में चलाना चाहते हैं। एंड इसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं सीए अनुप भाटिया को, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड ये एक प्रैक्टिसिंग सीए है एंड इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहां पे ये टैक्स कंसल्टेशन रिलेटेड, कंपनी फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए किस तरह की कंपनी खोलनी चाहिए उससे रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हम लोगों ने इस वीडियो में अनुप सर के साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके की कंपनी एक एक्सपोर्टर खोल सकता है अगर उनको कम इन्वेस्टमेंट लगानी है, अगर उन लोगों को कम कंप्लायंस मैनेज करना है, टैक्स कम देना है, अगर कोई एक्सपोर्टर टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में तो उनको किस तरह की कंपनी खोलनी चाहिए एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो अनुप सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि एक छोटा सा, अगर सबको वैसे पता ही है बट स्टिल स्टिल सबको नहीं पता होता है, आप अगर छोटा सा ब्रीफ दे दे कि किस टाइप की कंपनीज होती हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज इज जनरली बेस्ट फॉर एनी स्टार्टअप, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो चाहे कोई भी हो। आप इसको देखिए ऐसे समझिए, यदि कोई नया एंटरप्रेन्योर हमारी इस वीडियो को देखे और उसको ये सोचना हो कि मैं बिजनेस का कौन सा मॉडल पकड़ू, यानी किस तरीके से काम करूं, तो सबसे पहला सबसे सरल मॉडल होता है प्रोपराइटरशिप, वो कंपनी नहीं है। अच्छा, वो कंपनी नहीं है। दूसरा मॉडल होता है, यस दैट इज नॉट अ कंपनी, दैट इज अ प्रोपराइटरशिप। जैसे आपने बोला कि मैंने एक नाम रखा से भाटिया एंटरप्राइजेस, हु इज द ओनर, अनुप भाटिया, ओके, तो ये प्रोपराइटरशिप है। ओके ठीक है, अब मान लो आपने और मैंने मिलकर के एक कंपनी बनाई, पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसे हिंदी में साझेदारी, तो हम, अब मैं कंपनी नहीं बोल रहा, साझेदारी फर्म पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूं, तो हमने बोला डीएनए एसोसिएट्स या डीएनए एंड कंपनी, ये पार्टनरशिप हो गई। ओके, ठीक है, इसी में एक और फिल्टर करके करते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बनाई जाती है, वो क्या होता है, उसको गवर्निंग लॉ है एलएलपी एक्ट 2008, उसमें और कंपनी में क्या फर्क है, मैं जानता हूं कि आपका वो भी क्वेश्चन आएगा, मैं उस पर भी जनता को गाइड करूंगा। तो सबसे पहले प्रोपराइटरशिप, प्रोपराइटरशिप नहीं तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं तो एलएलपी, एलएलपी नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं तो पब्लिक लिमिटेड। ओके, इनमें से एक स्ट्रक्चर किसी भी एंटरप्राइज करने वाले को, एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करना चाहिए। तो जब मैं ये कहता हूं कि मेरे को छोटे लेवल पे काम करना है, अभी ट्राई करूंगा, तो जरूरी आप कंपनी बना के काम करें, आप प्रोपराइटरशिप में भी शुरू कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक जने हैं लेकिन अभी भी बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं ले रहे तो पार्टनरशिप ले लीजिए, एलएलपी एक थोड़ा अलग डिसीजन है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी इस वीडियो से लोगों को जानने को मिलेगा, जिसका आंसर वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि कंपनी बनानी क्यों है। जी जी क्यों ना मैं प्रोपराइटरशिप में काम करूं, क्यों ना मैं पार्टनरशिप में काम करूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीपांकर जी। यहां इसका उत्तर मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को ऐसे लेना है, आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा क्या कि उसकी जो लायबिलिटी है उसको मैं लिमिटेड करूं? समझिएगा आप मेरी बात को, लायबिलिटी कैन बी लिमिटेड, लायबिलिटी कैन बी अनलिमिटेड। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी तो कब होती है कि मान लीजिए दीपांकर जी ने एक लोन लिया 1 करोड़ का बैंक से, समहाउ ही कुड नॉट पे, तो दीपांकर जी ने बोला बैंकों के साहब ये मेरी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रखी है, इससे वसूली जो हो जाए वो कर लो, मान लीजिए प्रॉपर्टी वैल्यू 70 लाख है तो 70 लाख ले लो, बाकी मेरे को छोड़ दो, यानी मेरे को तो छोड़ो, आप मेरे से बिजनेस नहीं चला तो कोई बात नहीं। बैंक बोला नहीं नहीं दीपांकर जी, आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी और है जिसमें आप रहते हो, वो 50 लाख की है, वो भी हमें दे दो। जब प्रोपराइटरशिप करते हैं हम तो हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जब हम कंपनी फॉर्मेट में जाते हैं तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड हो जाती है। गॉट इट। ऐसे ही जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जब हम ओपीसी करते हैं या हम एलएलपी करते हैं या हम प्राइवेट लिमिटेड करते हैं या हम पब्लिक लिमिटेड करते हैं, इनके नाम तो अभी लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, यानी सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, अगर आपको लगता है आपके बिजनेस में रिस्क है
और वो रिस्क कहीं आपकी व्यक्तिगत एसेट्स ना खा जाए, पर्सनल एसेट ना खा जाए, तो आपको ऐसी परिस्थिति में एक LLP या कंपनी बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब किस तरह के रिस्क की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? मतलब आप मतलब जो कंपनी है वो कैपिटल इंटेंसिव है, आपको काफी ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, फिर वो लोन पे ना कर पाए, उस तरह के रिस्क की बात कर रहे हैं आप? कि रिस्क कैन बी इन रिलेशन टू लोन, रिस्क कैन बी अ लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, उसमें कोई ट्रेडमार्क यूज कर लिया, जी, ठीक है, और वो ट्रेडमार्क किसी और के नाम था, ओके, गलती हो गई, अब हाँ, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, उसने पूरा बिजनेस स्पॉइल कर दिया, तो ओके, कम से कम लाइबिलिटी लिमिटेड करेंगे तो यू विल बी सेइंग कि साहब मेरी लाइबिलिटी तो टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल ही है, गॉट इससे इट ज्यादा थोड़ी ना आप मेरे को मार डालोगे। गॉट इट गॉट लेकिन इट अगर आपने प्रोपराइटरशिप में करा काम, पार्टनरशिप में करा काम, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी पर्सनल एसेट्स को भी पुल कर लेगा सामने आप। गॉट इट तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोई पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप करता है तो वो खुद ही बिजनेस है, बिजनेस वो मतलब एक ही एंटिटी है, वहां पे दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है? वो पार्टनरशिप तो फिर भी अलग एंटिटी है, हाँ लेकिन प्रोपराइटरशिप में वो स्वयं और प्रोपराइटरशिप एक ही है। ठीक ही है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग है, परंतु लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। डायबिटी अनलिमिटेड। LLP भी पार्टनर से अलग है। अब LLP कंपनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, OPC हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, इनमें कॉन्सेप्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी जैसे आप और मैं पर्सन है, हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, हमारी किसी एग्रीमेंट को लिखने की क्षमता है, ठीक है ना, हम लॉ की नजर में एक नेचुरल प्लस लीगल पर्सन है, ठीक है। तो ये जो कंपनी हुई या LLP हुई, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी वो उसके ऑनर से, जिसको हम कहते हैं ऑनर, ऑनर से अलग है। उनका एक खुद का अस्तित्व है, बिजनेस कंपनी का एक का अपना अपना। अस्तित्व है, LLP का अपना अस्तित्व है। तो यहाँ पे दो चीज हो गई कि जब आप LLP करते हैं या प्राइवेट लिमिटेड OPC या लिमिटेड कंपनी करते हैं, तो आप अपने बिजनेस से अलग तरीके से, मतलब आप उस बिजनेस को चला रहे हैं, बस बिजनेस अलग से एक एक एंटिटी है, एक आप एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी है। जो भी लाइबिलिटी, जो भी रिस्क होंगी वो बिजनेस तक रहेंगी, वो आपके तक नहीं आएगी। गॉट सर। सर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉलो अप आपसे यही पूछूंगा कि देखिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर किसी को इनिशियली स्टार्ट करना है एंड ही हैज लाइक उनके पास लिमिटेड नॉलेज है अबाउट कंपनीज एंड वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काफी एक्सपोर्ट्स होता है, राइट? एक्सपोर्ट्स जब करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी बनाए तो गवर्नमेंट से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, मतलब सारी स्कीम्स अच्छी तरीके से मेरे को मिल सकती हैं। जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जिनके पास बहुत अच्छा एक्सेस भी नहीं होता है गाइडेंस का, कंसल्टेंट्स का, उनको किस तरह की कंपनी के लिए जाना चाहिए जिस पे वो थोड़ा सस्टेनेबली उसको अपने काम को कर पाए? देखिए, मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल यहां सजेस्ट करता हूं अपने व्यूअर्स को। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप दो या दो से अधिक जने मिलकर काम कर रहे हैं। पहला, ठीक है, आइदर यू स्टार्ट एज अ LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और यू स्टार्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, आइदर यू विल स्टार्ट एज अ पार्ट LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और यू विल स्टार्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट डजेंट मीन कि मैं किसी को प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप खोलने से मना कर रहा हूं, वो उनकी कॉल है, पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ये सबसे बड़ी रिस्क है। इन दोनों स्ट्रक्चर में मैंने उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी, सबसे पहली चीज ये कंट्रोल करी, ठीक है, LLP की कंप्लायंस कॉस्ट और प्राइवेट लिमिटेड की कंप्लायंस कॉस्ट कम आती है एज कंपेयर टू अ प्राइवेट एज कंपेयर टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड ठीक कंपनी। है। आपको लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। एक्सपोर्ट के बिजनेस में मैं ये मानता हूं कि जब मैं एक LLP बना के जाता हूं या जब मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के जाता हूं, तो सामने वाला जिस कंट्री से है, हो सकता है वो इस बात को काउंट करे, क्रेडिट दे कि वाह, दिस इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। क्यों? देखिए, मैं जब रिटर्न भरता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न एज अ प्रोपराइटर, तो वो तो इनकम टैक्स लॉगिन पे दिखती है, वो तो मुझे ही दिखती है, मेरे लॉगिन में हाँ किसी और को हाँ तो नहीं दिखती, ठीक है। तो एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मैं कैसे रिपोर्ट कर रहा हूं अपने प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली इसके विपरीत दीपांकर भाई,
अगर हमने एक प्राइवेट लिमिटेड बनाई या बिल्कुल एलएलपी बनाई तो इनका डेटा ऑनलाइन वाउच किया जा सकता है, ठीक बिल्कुल, एमसीए के है, पोर्टल पे, एलएलपी की डिफरेंट साइट पोर्टल पे, पे। हाँ आरओसी की साइट पे, यस। तो इफ समबडी वांट्स टू फाइंड आउट कि दीपांकर भाटिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे एक कंपनी बन गई हो, तो दीपांकर भाटिया प्राइवेट लिमिटेड में कौन शेयर होल्डर है, कौन डायरेक्टर है, इनकी बैलेंस शीट क्या है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी सामने वाले की नजर में बढ़ेगी कि वाह यार ये एक रिपोर्टेड एंटिटी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ मैं भी यहाँ पे थोड़ा यही चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने भी एक्चुअली काफी वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन, राइट। आप मतलब बहुत सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनर्स भी हैं, बट वो इनिशियली यही कहते हैं कि आपको हमेशा प्रोप्राइटरशिप कंपनीज के साथ जाना चाहिए। उस पर मैं आपको फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछूंगा, वो यही कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और कंप्लाइंस बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कि कितना इन्वेस्टमेंट और कितना कंप्लाइंस कम है प्रोप्राइटरशिप में, प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, एंड क्या ये वर्थ देखो है थोड़ा सा प्रोप्राइटरशिप, कंप्लाइंस को और इन्वेस्टमेंट को कम रखना, बट आपकी क्रेडिबिलिटी भी उसमें काफी कम हो जाती है, जिसपे मैं आगे जाके आऊंगा क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि मैं भी एक फिनटेक में काम करता हूँ, हम बैंक के साथ रेगुलरली लोगों के वो करते हैं, तो बैंक्स का क्या प्रोस्पेक्टिव है प्रोप्राइटरशिप को लेके, वो भी मैंने देखा है कि वो बैंक तो सीधा मना ही कर देती है, बड़ी बैंक जैसे कि डीबीएस बैंक हो गई या आपका स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, वो मना कर देते हैं, प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट ही नहीं खोलते वो। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कंप्लाइंस और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखे अगर, तो आपको कितना वर्थ लगता है कि एक बंदा प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड? देखिए वन, ये किसी भी इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन है कि वो क्या बनाना चाहता है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। कंप्लायंस कॉस्ट निश्चित रूप से पार्टनरशिप में प्रोप्राइटरशिप से बढ़ेगी, एलएलपी में पार्टनरशिप से बढ़ेगी, और प्राइवेट लिमिटेड में एज कंपेयर टू एलएलपी बढ़ेगी। अब मुझे देखना है कि मैं जिस चीज में डील करने जा रहा हूं क्या मैं वहां एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, या मेरे को इसमें स्टे लॉन्ग रहना है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इंडिविजुअल कर रहा हूं, तो लेट से वी स्टार्ट विद अ प्रोप्राइटरशिप, एक प्रोप्राइटरशिप भी कंपनी में कन्वर्ट हो जाता ठीक है। है। यानी अगर कोई हमारी इस वीडियो को देखता है और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि साहब आप तो डे वन कंपनी बना के काम करो, कॉल आपको लेनी है। अगर आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पर हो कि वो चाहता है कि नहीं आई शुड डील विद अ कॉर्पोरेट, तो आपको एलएलपी या कंपनी बना के काम करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो दीपांकर जी से माल खरीदता हूं और दूसरे व्यक्ति को माल बेच देता हूं, एक्सपोर्ट कर देता हूं और उसका डिफरेंस कमा लेता हूं, तो हाउ इट इफेक्ट्स कि वेदर आई एम अ प्रोपराइटर और आई एम अ पार्टनरशिप फर्म और आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड और आई एम अ पब्लिक लिमिटेड, कोई बहुत फर्क फर्क बात नहीं है, प्रोवाइडेड मेरा बिजनेस लाइन सेफ हो, मुझे पता है मैं जिसको माल दे रहा हूं पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक अब है। मैं उतरा के साहब नहीं, मैं तो लोन लेकर के पैसे उधार लेकर के माल खरीदूंगा और फिर जाऊंगा। अब मैं बैंक के गया तो बैंक बोला लाओ साहब आपकी पर्सनल एसेट रखो, मेरे को प्लेज करो, मैंने रख भी दी। किसी वजह से मैं सामने वाले ने, मैंने जिसको एक्सपोर्ट किया उसने मेरे पैसे ही नहीं दिए, तो मैं अटक गया, तो बैंक मेरी वो एसेट जो प्लेज करी वो तो ले लेगा, लेकिन बैंक मेरे पर बाकी की एसेट की रिकवरी के लिए भी सूट फाइल कर सकता है, मनी सूट। जबकि यही मैं प्राइवेट लिमिटेड होता तो जब तक मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं है डेलिबरेट, तब तक बैंक को मैं ये कहूंगा साहब ये मेरी कंपनी में एसेट पड़ी है जितने की है, या एलएलपी में एसेट पड़ी है जितने की है, इनसे जो रिकवरी हो जाए वो कर लो, मेरी पर्सनल एसेट पर आप हाथ नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसी को ध्यान रखना है। तो कोई कहता नहीं साहब मेरे तो धंधे में ऐसी रिस्क ही नहीं है, तो वो प्रोप्राइटरशिप में काम करे, पार्टनरशिप में काम करे। किसी के धंधे में रिस्क है तो वो फिर एलएलपी फॉर्म करे या प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म अगर किसी को प्रोप्राइटरशिप तभी खोलना चाहिए जब उसका ऑलरेडी चैनल फिक्स्ड है, उसको एक तरफ से माल लेना है एक तरफ देना है, बट अगर उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली करना है, बैंक्स को इन्वॉल्व करना है, लोन्स को इन्वॉल्व करना है, राइट, तो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करनी है, मेरे को ऐसा लगता है सर, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में इनफैक्ट अगर मैं दो लेंस से आपको बताऊं, सबसे पहला लेंस आपका कस्टम्स क्लियरेंस के लेंस से, कस्टम्स क्लियरेंस में भी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट लिमिटेड को ज्यादा क्रेडिबिलिटी देता है इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप। एंड सेकेंड, अगर मैं बैंक के लेंस से बोलूं, तो बैंक भी, बहुत सारे बैंक तो इनफैक्ट प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट खोलते ही नहीं है, और जब आपकी लोन की बात हो गई, तो अब क्या होता है कि जब कोई एक्सपोर्ट करता है तो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे कई बार लोग एलसी डिस्काउंटिंग कराते हैं, वहां पे भी
बहुत मुश्किल होता है प्रोप्राइटरशिप को एलसी डिस्काउंटिंग मिल पाना, किसी भी तरह का और स्कीम का फायदा उठा पाना गवर्नमेंट की तरफ से, ईसीजीसी का मिल पाना, आपका एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये सब में बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोप्राइटरशिप में। ये तो मैंने खुद देखा है क्योंकि हमारी कंपनी करती है, मेरे पास केसेस आते हैं, तो हम उसको काफी मुश्किल है उनके लिए ले पाना ये चीजों को, किसी भी तरह का क्रेडिट फैसिलिटी ले पाना। मैं समझता हूँ पंकज जी, एंड हियर योर एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड, और ये एक्सपीरियंस ये जो व्यूअर्स के काम का है कि यस प्रैक्टिकल साइड दीज आर द प्रॉब्लम्स विच एज अ प्रोपराइटर समबडी मे फेस, एंड देयर फोर पीपल आर देन मूव इन टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आइदर ऑफ LLP और ऑफ अ कंपनी. सो इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंस एंड इन्वेस्टमेंट, आपको आप अगर एक स्टेटमेंट में बताएं कि कितना एक स्टेटमेंट सर कि कितना डिफरेंस है प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप में, एक स्टेटमेंट में अगर आप इसको आंसर करें कि क्यों उसको प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए, क्यों पार्टनरशिप या क्यों प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि मेरा आंसर था कि अगर आपको सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाना चाहिए, राइट। आप आगे जाके आपकी बिजनेस बढ़ेगा, आप कैपिटल के लिए लोन लोगे, आपकी कंप्लाइंसेज होंगी, वो सारी चेक की जाएंगी, तो आपको आपका क्या एक फाइनल स्टेटमेंट रहेगा सर इस चीज के ऊपर, अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म प्रोप्राइटरशिप खोल बनाने रहा में कोई हूं। बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है. एक MSME नंबर लेंगे, ठीक है, एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेंगे, और जी एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे. वो तो आप गाइड करते ही हैं लोगों को. हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो अक्रॉस चलेगा, कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, बिल्कुल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप LLP कंपनी कॉमन है. कंपनी फ्रेम करने की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो लगभग 15-20 हज़ार रुपए मिनिमम साइड में मानता हूं हो सकती है, ओके ठीक है. प्रोपराइटरशिप में इतनी कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व ओके, तो है, पर ये इनिशियल वन टाइम कॉस्ट, वन टाइम ठीक कॉस्ट, है. ठीक है ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में किसी को 8-10 हज़ार रुपए का मिनिमम खर्चा आ सकता है, ओके LLP में फिर 15-20 हज़ार का खर्चा आ सकता है. तो वन समबडी हैज टू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट कि यस देयर विल बी एन इनिशियल कॉस्ट इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ LLP और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंपेयर टू अ प्रोपराइटरशिप. गॉट इट गॉट सेकेंड सेकेंड इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यू मे टेक इट दैट हर साल आपको ऑडिट तो करानी है अपनी बुक्स, एग्जैक्टली हर साल आपको ROC कंप्लायंस करनी है. तो एग्जैक्टली मैं मानता हूं कि वन बुक्स बनाना, उनकी ऑडिट कराना, फिर एनुअल रिटर्न भरना, ठीक है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरना, ये सारे काम मिनिमम साइड में आपको बोल देता हूँ 25-50 हज़ार रुपए से कम का खर्चा नहीं है. बहुत मिनिमम साइड कह रहा हूँ, हालांकि डिपेंड्स अपॉन कि आप किस चार्टर अकाउंटेंट के पास गए, आपका टर्नओवर का वॉल्यूम क्या है, उन्होंने आपको कितना समय दिया, वो सारी चीजें. लेकिन क्योंकि हम इस चैनल पर हैं तो हमें एक आइडिया देना है, क्योंकि कोई भी व्यूअर हो कि वो अपना एक माइंडसेट बनाए कि ओके सर मेरे कंपनी बनाने के लगभग 20 हज़ार के खर्चे आ जाएंगे, फिर मुझे एनुअल 20-25 हज़ार रुपए के, सॉरी ज्यादा 25-50 हज़ार रुपए के खर्चे कंपनी को चलाने के होंगे, कंप्लाइंस के ठीक है. लेकिन अगर कोई इस कंप्लायंस कॉस्ट को एक बार साइड रख दे, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी होने का जो फीचर है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा फीचर है जिसे मैं मानता हूं. पर हाँ, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाने से पहले LLP को सोचे अगर आपको लगता है LLP, क्योंकि LLP में ये बेनिफिट है कि एज कंपेयर टू कंपनी उसकी कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ी सी कम हो सकती है, और LLP चलाना फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी में आपने इक्विटी डाली तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इक्विटी यानी शेयर. लेकिन LLP में आप कैपिटल डालते हैं, कैपिटल डाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं. कंपनी में लोन लेने की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि डायरेक्टर के अलावा या उनके रिलेटिव से, डायरेक्टर के रिलेटिव के अलावा किसी से लोन नहीं ले सकते. LLP में ऐसी कोई कंडीशन नहीं, थर्ड पार्टी से भी लोन लेना ले. तो मैं इस वीडियो का बेनिफिट लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आप वन सबसे पहले सोचिए, क्या मुझे लाइबिलिटी लिमिटेड करनी है, हाँ तो LLP या प्राइवेट लिमिटेड में चूज करें. इनमें अगर चूज करते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी हो सकता है LLP हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे तो कंपनी बना के फ्रेम करना है, काम करना है, देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ऑलवेज एन अवेलेबल ऑप्शन. ओह गॉड, बिल्कुल मेरे को लगता है काफी क्लैरिफिकेशन आ गया इससे। सर इसमें मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा,
आपने शायद ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट दे दिया था इसके बारे में कि अगर कोई किसी टाइप की कंपनी फॉर्म करता है तो वो आगे जाके उसको कन्वर्ट करके दूसरी टाइप की कंपनीज में चेंज कर सकता है, राइट? कितना बड़ा इसमें वो आता है, मतलब कितना कंप्लाइंस या कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्टिंग उसको आता है अगर प्रोप्राइटरशिप से वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करता है तो? वही आप तो ये मानिए कि आप एक नई कंपनी बनाएंगे और उसमें अपनी प्रोप्रेटरशिप को मर्ज करेंगे, तो मान लीजिए मैंने बोला 15-20 हज़ार का खर्चा, यही खर्चा है। अच्छा, वही ऐसे ही आप LLP टू प्राइवेट लिमिटेड जा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड जा सकते हैं, तो नॉट मोर देन 25-50 हज़ार का खर्चा है मान करके चलिए, स्ट्रक्चर चेंज। और ये खर्चा बार बार होता भी नहीं, ये तो वन टाइम खर्चे हैं, कभी होंगे तो, और इतनी इजिली कोई चेंज करता भी नहीं। जी, एग्जैक्टली सर, यहाँ पे एक मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। ये बहुत नया एक चीज है कि ओपीसी, जो आपका ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बताया आपने, तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में कितना डिफरेंस है, और इसमें भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी मिलती है कंपनी को ओपीसी में जितना आपको प्राइवेट लिमिटेड में मिलता है, और कितना उसको टैक्स बेनिफिट या कंप्लाइंस बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड? देखिए ऐसा है कि टैक्सेशन ओपीसी का और प्राइवेट लिमिटेड का सेम है, इनकम टैक्स, ठीक है। ऑडिट ओपीसी को भी करानी है, ऑडिट प्राइवेट लिमिटेड को भी करानी है, फर्क केवल यह है ओपीसी में एक ही व्यक्ति है ओके, और प्राइवेट लिमिटेड में 2 से लेकर 200 हो सकते हैं। ठीक ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर हैं, है। हाँ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके, ठीक। तो व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिविटी इन अ ग्रुप, मे बी इन फैमिली, मे बी विद फ्रेंड्स, और मे बी अंडर सम बिजनेस अरेंजमेंट, देन यू शुड थिंक ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एन ओके, LLP। बट ओके, व्हेन यू थिंक दैट आई विल डू ऑन माय ओन इंडिविजुअली बट आई वांट टू कंटेन माय रिस्क, देन OPC इज द सॉल्यूशन। ओके, गॉट इट सर। यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, आपको बताऊंगा। ओपीसी में और प्राइवेट लिमिटेड में मैंने देखा कि ओपीसी में भी बैंक उतना क्रेडिबल नहीं मानता है कंपनी को। क्या है ना कि अभी हमारे इंडिया में ओपीसी नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इतना बैंक अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक हाँ, है। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना या उसको रेगुलेट करना उनको थोड़ा सा लगता है, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड में वो ज्यादा कंफर्टेबल है बनस्पत ओपीसी के, एग्जैक्टली, इसलिए मैंने भी आज ओपीसी पे ज्यादा नहीं बात की। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, बट अगर किसी के पास एक ही डायरेक्टर है, मतलब एक ही है जो, बट वो प्राइवेट लिमिटेड करना चाहता है, जैसे कि मेरे केस में मैं आगे जाके अगर कंपनी खोलता हूँ, तो अभी तो मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, जैसे कि मैं नेक्स्ट ईयर करने का प्लान कर रहा हूँ बट प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं किसको इंक्लूड कर सकता हूँ और कितना उसको मिनिमम शादी शेयर्स? हो गई आपकी? हाँ शादी नहीं हो गई आपकी? आप नहीं सर, नहीं हुई। शादी कर सकते हैं, एक तो उससे आपकी जो स्पाउस होंगी वो भी ज्वाइन करेंगी एज ए डायरेक्टर। मान लीजिए कोई अविवाहित है, मैरिड है, तो मदर फादर को ले सकते हैं, एंड ठीक है। मिनिमम किसी शेयर्स उनको सिबलिंग को आप ले कितने? सकते हैं जो मेजर हो, पर 2 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसका मिनिमम, एक्सेप्शन नहीं। ओके, मिनिमम शेयर्स कितना देना पड़ेगा उनको, हम अगर हम चाहते हैं कि जस्ट फॉर द नेम से हम किसी को, जस्ट फॉर द कोई रूल? दिक्कत नहीं, आप 100 शेयर वाली कंपनी है, 1000 शेयर वाली कंपनी है, एक के पास 999 शेयर हो सकता है, एक के पास केवल 1 शेयर हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, एंड ओपीसी का आपने, ओपीसी वैसे ही नया कॉन्सेप्ट है, मेरे को लगता है कि सब कुछ सेम ही है, आपने बताया प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही। एंड आई गेस सर, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, मेरे सारे क्वेश्चंस तो कवर हो गए हैं, कंप्लाइंस पार्ट से भी, इन्वेस्टमेंट पार्ट से भी, लोन के पार्ट से भी, सस्टेनेबिलिटी के पार्ट से भी हमने बात कर ली है, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड का डिफरेंस भी बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो आप प्लीज। कि बस इतना सा और जोड़ूंगा कि कोई भी व्यक्ति यदि काम शुरू करता है एक्सपोर्ट का, और मान लीजिए वो LLP या कंपनी या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप स्ट्रक्चर लेता है, तो उनको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जब हम प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं तो हमारे स्लैब रेट पे टैक्सेशन होता है, 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे 5%, 7 लाख से 10 लाख तक फिर 10% एंड सो ऑन। इसके विपरीत यदि आप एक पार्टनरशिप या LLP स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो आपको 30% टैक्स रेट लगती है 1 रुपए के प्रॉफिट पर भी,
जब आप प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट थंब रूल आप लगभग 25% की टैक्स रेट मान के चलिएगा, ओके ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट डिफरेंस और हमने यहां पे कर लिए, क्योंकि ओके अल्टीमेटली जो हम कमाते हैं उस पर हमें क्या टैक्स देना है वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न इज माई रियल रिटर्न। यस एग्जैक्टली तो आप, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी वीडियो कंक्लूडिंग है, इस वीडियो का रेफरेंस लेकर के आप अपने सीए के पास जाएं, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं एज अ व्यूअर, समझें कि वो आपको फिर उसको कैसे एलिब्रेट करते हैं, एंड देन यू मे बी एबल टू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि ओके अब मैं सोच चुका हूं कि मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, एलएलपी बनानी है, प्रोपराइटरशिप बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, क्योंकि आई एम रेडी टू बियर दिस मच ऑफ टैक्स ऑन माई प्रॉफिट्स। ओके ये एक चीज मुझे लगता है हमारे से छूट रही थी जो हमने और कॉन्ट्रीब्यूट कर दी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया और मेरे को भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरा भी थोड़ा टैक्सेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर था अनुपसर, मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो। कोई एंड दिक्कत नहीं, हाँ, मेरा भी काफी क्लियर हो गया इस बारे में। एंड यस, आई गेस थैंक यू अनुप सर, आपने इतना टाइम दिया एंड सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। एंड यप, थैंक यू थैंक सो यू, एंड मच। थ्रू दिस वीडियो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू दीपांकर जी, स्पेशली बिकॉज इसी के लिए ऐसा सोचना कि ओके वी आर हेल्पिंग देम इन स्ट्रक्चरिंग बहुत बड़ी बात है ना, यस सर, दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन विच वी एज यूट्यूबर कैन डू टू द सोसाइटी। थैंक यू सर। सेकेंडली आई वुड ऑल्सो विश और कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स हु हैव गॉट एसोसिएटेड विद अस, कि यस मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल टर्म्स में इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, तो ऐसे में जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, इफ समबडी इज एंटरिंग इन टू मूविंग इन टू दिस काइंड ऑफ थिंग देन आई थिंक दैट यस दिस वीडियो विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किस तरह की कंपनी खोलनी है अपनी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितनी कन्फ्यूजन थी सारी दूर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे एक्सपोर्ट सीरीज चला रहे हैं एंड इस तरह के एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के लिए आगे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।